आर्टिजन्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एवं नाबार्ड एवं श्योर के सहयोग से संचालित ओएफपीओ परियोजना की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने शिरकत की। बैठक में जिला कलेक्टर ने दस्तकार महिलाओं को अपने हुनर, कला, कौशल एवं उत्पाद को मार्केट से जोड़कर आगे बढ़ने की बात कही। बैठक में श्योर संस्था के पदाधिकारियों सहित कई महिला दस्तकारों ने शिरकत की। थार आर्टिजन्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहयोग के लिए प्रशासन हमेशा हर तरह की मदद के लिए तैयार रहेगा। यह बात नाबार्ड एंड श्योर के सहयोग से संचालित ओएफपीओ परियोजना के तहत गठित थार आर्टिजन्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की वार्षिक आम सभा श्योर कैंपस बिजराड में बॉर्डर के दस्तकार महिलाओं को संबोधित करते हुए बाड़मेर के युवा जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने कही। यादव ने आर्थिक, मार्केटिंग एवं दस्तकारों को विभागीय लाभ दिलवाने का आश्वासन देते हुए कहा कि दस्तकार महिलाएं अपने हुनर, कला कौशल एवं तैयार उत्पादन से बड़े स्तर का मार्केट से जुड़कर कंपनी के अन्य दस्तकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर हो। यादव ने श्योर एवं थार आर्टिजन्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की महिलाओं से रूबरू होते हुए उनके द्वारा तैयार उत्पाद की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए हस्तकला की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्योर संस्थान के अध्यक्ष ऋषभदास जैन ने श्योर द्वारा पिछले 30 साल में किए जा रहे कार्यों, संस्थागत सोच के साथ थार आर्टिजन्स कंपनी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। श्योर की संयुक्त सचिव लता कछवाहा ने स्वागत भाषण के साथ संस्था एवं कंपनी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संस्था के संस्थापक पद्मश्री मगराज जैन ने पिछले 30 साल पूर्व जो अपना सपना संजोया था कि दस्तकार महिला खुद अपने काम की मालिक बने, उन सपनों को आज साकार एवं फलीभूत हुआ है। इसके लिए उन्होंने नाबार्ड एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं अंशधारकों का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश प्रजापत, जिला विकास प्रबंधक ने भी उपस्थित महिला दस्तकारों को संबोधित किया। अलग अलग काम करके इसको जोड़ा गया है, किस तरह से चिपकाया गया है, किस तरह से पेस्ट किया गया है, ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। मैं पूरे प्रोसेस को वापस से कभी देखूंगा जब मेरे पास समय होगा। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक रीजनल मैनेजर नरेंद्र खत्री ने बैंकिंग, बीमा, डिजिटल भुगतान, कंपनी अधिनियम, कानून के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए दस्तकार महिलाओं को बैंकिंग योजनाओं को बिना बिचौलियों का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कंपनी के अरविंद शर्मा ने वित्तीय लेखोजोखों की जानकारी दी एवं सभी महिलाओं ने उसका अनुमोदन किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने कंपनी की पोश मशीन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सपूर्द की और कंपनी के डिजिटल कैटलॉग का विमोचन किया। जिला कलेक्टर ने कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। इस दौरान चौटन तहसीलदार गणेश राम, कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह कछवाहा, हनुमान राम चौधरी, विनय कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक केवी के समेत 150 अंशधारक महिलाएं उपस्थित रहीं।